हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे हो। और जो फ्रेंड आज का जो ब्लॉग है वो मैं दिन से स्टार्ट कर रही हूँ। दिन में मीन हमारा जो लंच है वो बन चुका है और हस्बैंड की अब मॉर्निंग थी के बाद फिर 5:15 बजे फिर मैं फ्री हो गई थी उसके बाद। बट ब्लॉगिंग मैं अभी से स्टार्ट करी क्योंकि मुझे टाइम नहीं हुआ ना, काफ़ी काम था। तो अब जो है मेरा काफ़ी काम तो हो गया है बट कुछ कुछ काम अभी बचा है, बड़े बड़े काम बचे हैं। छोटे छोटे काम जितने भी होते हैं दीपावली के वो सब मैंने कर लिए हैं। और जैसे जो ये वाला रूम है ना, बेडरूम, इसकी आज क्लीनिंग करनी है तो आज इसकी मैं क्लीनिंग करूँगी। पहले हम लोग लंच करते हैं उसके बाद हम क्लीनिंग करेंगे। हम नहीं, मैं क्लीनिंग करूँगी। हस्बैंड तो 4 बजे उठ गए थे बेचारे, वो ड्यूटी गए हैं, अभी वो ड्यूटी से आए हैं, उसके बाद इनको जाना है। आज राष्ट्रीय एकता दिवस है तो उसके लिए जो इनके जो यूनिट है वहाँ पर आज परेड है, तो वो 4 बजे उठ गए थे, उसके बाद वो ड्यूटी गए हैं, उसके बाद वो आए हैं। अपनी वो ड्रेस रहती ना परेड की ड्रेस थोड़ा अलग रहती है, तो उस ड्रेस को वो रेडी करेंगे और उसके बाद 4 बजे लगभग वो निकल जाएंगे, तो उनको आज रेस्ट करने का टाइम बिल्कुल नहीं है। तो फिर इसके बाद अब हम लंच करते हैं। लंच करने के बाद फिर ये जब वहाँ को जाएंगे फिर मैं करूँगी ये यहाँ पे की क्लीनिंग। का वो सारा निकाल के मैंने दूसरे कमरे में रख दिया है। और जो ये बॉल है ना पूरी मैं इसको झाड़ू से क्लीन करती हूँ और यहाँ पे जो विंडो है इसको भी क्लीन करती हूँ पूरा। उसके बाद फिर ये सामान सेट करती हूँ। जो मैंने शीट बिछाई थी ऊपर प्लास्टिक शीट उसको भी मैंने वॉश करना पड़ेगा और या फिर मैं इसके गीले कपड़े से पोंछ दूंगी तो साफ हो जाएगा वो। तो अवनी के कुछ सॉफ्ट टॉयस हैं और ऐसे टॉयस हैं जिससे वो नहीं खेलती है, तो उन टॉयस को मैं सबको ऊपर रख लेती हूँ। बेडरूम है ना मेरा वो पूरी तरह से क्लीन हो गया है। और जो ये वाला बेड है ना ये हमने केरल से लिया था, जब हम केरल में गए थे स्टार्टिंग में उस टाइम पे ही हमने ये बेड लिया था। तो ये बेड हमने इसलिए लिया ना, हल्का है और मतलब काफ़ी अच्छा है, पूरी तरह पूरा खुल जाता है। इसका जो ये वाली प्लास ये ऊपर वाला जो पार्ट ये अलग हो जाता है और ये अलग हो जाता है और साइड वाला पीछे वाला वो अलग हो जाता है, तो ये काफ़ी अच्छा है। इसीलिए हमने क्या किया था जब हमने केरल में इसको लिया उसके बाद हम जहाँ जहाँ जाते हैं इसको लेके चलते हैं साथ में, क्योंकि एक तो ये जो ट्रांसपोर्ट करते हैं हम लोग ना उस टाइम पे काफ़ी अच्छा रहता है, अच्छे से खुल के फोल्ड होके आ जाता है और हल्का भी रहता है। तो इसीलिए हमने कोई नया बेड नहीं लिया, जब इससे काम चल रहा है तो फिर क्यों लेना भारी बेड ना, तो इसीलिए हमारा जो भी सामान रहेगा ना हल्का हल्का सा रहेगा। Oh,
ये मैंने धो दिए हैं और इसको मैंने वॉशिंग मशीन में ट्राई कर लिया जिससे ये जल्दी सूख जाएंगे, नहीं तो ये वूलन के ना इनमें बहुत टाइम लग जाता है वरना सूखने में, तो अब ये सूख जाएंगे थोड़ी देर में, तो इनको मैं अब डाल देती हूँ बालकनी में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं नेक्स्ट डे व्लॉगिंग कर रही हूँ और आज मुझे जो मेरा हॉल रूम है वो सफाई करनी है उसकी, और उसके बाद मुझे बनाना है कुछ मीठा। तो व्लॉग में आप बने रहिएगा, आगे मैं आपके साथ में शेयर करूँगी कि मैं क्या बना रही हूँ आज दीपावली के लिए। तो बाहर में देखिए ऐसी धूप आई है, ये देखिए। तो यहाँ पे बालकनी में अभी हम बैठ जाएंगे और अवनी को ना मैंने अभी नहलाया है और इसको मैंने बालकनी में बैठा दिया, क्योंकि नहाने के बाद बच्चों को थोड़ा ठंड लग जाती है ना, तो इसलिए मैं थोड़ी सी हेड मसाज कर रही हूँ उसकी और उसको बालकनी में मैंने बैठा रखा है। और अभी हमारा लंच वगैरह सब हो गया है और अब मुझे करनी है क्लीनिंग इस कमरे की। और बट अभी ना यहाँ पर बारिश हो रही है, बहुत तेज की नहीं हो रही, मतलब हो रही है हल्की हल्की बारिश, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पर दिख रही है। और अब मैं आ गई हूँ हॉल में इसकी सफाई करने के लिए। तो सबसे पहले जो सामान है इसका, इस कमरे का, दूसरे कमरे में रखती हूँ, उसके बाद यहाँ पे सफाई करनी है। अवनी के जितने भी टॉयस होते हैं ना, मैं इसमें रखती हूँ, इसमें सही रहता है, ये पूरा भर रखा है। अभी इसमें और टॉयस रखने, जितने आ सकेंगे उतने टॉयस रखूँगी। और इससे क्या होता है ना, जब अवनी को चाहिए होते हैं तो अवनी इसको खोल लेती है और अपने टॉयस निकाल के फिर कभी कभी तो इसमें रख देती है, कभी कभी साइड में रख देती है। वॉश तो नहीं कर सकती मैं, तो इनको खाली ऐसे झाड़ूंगी, किसी चीज से साफ कर दूंगी जिससे धूल साफ हो जाए, क्योंकि अगर इसको मैंने वॉश किया ना तो ये खराब हो जाएंगे। और ये ना केक बेस है, केक था इसमें, और तो इसमें मैंने बना दिया था ये वाला, कितना तो सुंदर बनाया यार मैंने ये वाला, देखो कितना अच्छा लग रहा है। क्या है यहाँ पे अभी रेंट पे रहते हैं ना, तो फिर 3 साल के बाद पोस्टिंग आ जाती है, तो फिर इतना सामान लेके कहाँ कहाँ भागते रहोगे आप लोग। तो हमने उतना ही सामान रखा है जितना हमारे यूज का होता है, फिर भी हमारे पास औरों के कंपैरिजन में ज़्यादा सामान है, चलो चलता है, इतना तो चलता ही है। और अब मैं दिखाती हूँ फाइनल लुक आपको इस रूम का। और अवनी तो अभी यहाँ पे बैठ के अभी वो खेलने भी लग गई है, और मैंने ना इस कमरे में लोअर सीटिंग रखी है क्योंकि यहाँ पे बेड नहीं रखा हमने, ना ही हमने सोफा रखा अभी, और खेलने के भी बच्चों को थोड़ा जगह चाहिए होती है ना, तो इसलिए थोड़ा खुला ही रखा मैंने ये रूम। और यहाँ पे अवनी साइकिलिंग भी करती है, अवनी का साइकिलिंग प्लेस है, यहाँ पे अवनी की साइकिलिंग होती है, तो इसीलिए अब मैं दिखाती हूँ आपको फाइनल इस रूम का। We'll be right back।
मैंने DIY करके बनाया है, क्योंकि अवनी के पास ना यहाँ पे बहुत सारे टॉयज थे तो इनके रखने के लिए जगह नहीं हो पा रही थी, तो मैंने एक DIY टेबल बना लिया जिसमें अवनी का सारे जितने टॉयज हैं वो सारे यहाँ पे आ जाते हैं लाइन से। जब उसका खेलने का मन नहीं होता ना तो अपना सारा सामान वो यहीं पे रख देती है, तो ये काफ़ी यूजफुल रहता है मेरे लिए। और यहाँ पे है हमारा एक कबर्ड, कबर्ड के ऊपर ना यहाँ पे मैंने सारे मास्क रख दिए। अब मेरा ये सारा काम हो गया है और अब मैं बनाती हूँ अपने, तो अभी है दीपावली, दीपावली में जो होता है मीठा हर घर में बनता है, और जब ये ड्यूटी जाते हैं ना तो इनका जो फ्रेंड सर्कल रहता है तो वहाँ पे पूरा उनको मीठा बांटते हैं, तो इसीलिए हमारे घर में दीपावली में मिठाई बनती ही है, और इसीलिए आज मैं बना दे रही हूँ क्योंकि बाद में फिर टाइम नहीं हो पाता, इसीलिए मैं उसको आज बना के रख देती हूँ। और बना रही हूँ मैं प्रेमिक लेके आई थी ना एक दिन, तो उसी की गुलाब जामुन बना रही हूँ मैं, तो ये मैंने ये दो पैकेट लेके आए थे हम, अब इसको बना लेते हैं। जो गुलाब जामुन है वो बनके एकदम रेडी हो गए हैं हमारे, और इसका जो वीडियो है वो मैं नेक्स्ट अपलोड करूंगी, वो सिंगल वीडियो अपलोड करूंगी मैं जिसमें आपको से ओनली जो मेथड है वो बताया जाएगा, तो आप उसमें से पूरा देख लेना। और जो ये गुलाब जामुन है ये बहुत टेस्टी बने हैं। अब मुझे बना रहा है डिनर, और आज का व्लॉग भी वैसे ही काफी लंबा हो गया है, तो इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।